वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आई एम इच्छा मिश्रा। ये वीडियो सीरीज हमारी UPPCS मेंस के JS 5 और 6 के जो सिलेबस बयान हुए हैं उनके पॉइंट्स को हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज है हमारी और आज का जो क्वेश्चन है उसको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSSC और EPFO जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक ईजिली पहुँच सके। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है थ्रू लाइट और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स जो है इस पर हमको प्रकाश डालना है, तो जो उत्तर प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हमें थोड़ा देखना होगा क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ी रटने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ये स्थापित कब हुआ था, 1998 में जो उत्तर प्रदेश STF है इसकी स्थापना की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था, इसका ऑब्जेक्टिव था स्थापना का कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, टेररिज्म और अदर जो सीरियस क्राइम्स हैं स्टेट में उनको रोका जा सके, संगठित अपराध, आतंकवाद और अन्य गंभीर जो अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए इसे गठित किया गया था। अब इसके कार्य क्या हैं, तो कार्य सबसे पहले क्या हो जाएंगे, जो भी माफिया गिरोह हैं इनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना और ऐसे जो भी गिरोह हैं इनके विरुद्ध खुफिया तरीके से कार्यवाही करना। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है कि विघटनकारी जो तत्व हैं विशेषकर ISI एजेंट, इनके विरुद्ध हमें कार्य योजना तैयार करनी होगी, मतलब UPSTF को, और उसका क्रियान्वयन करना होगा। जिला पुलिस के समन्वय से सूचीबद्ध गिरोहों के विरुद्ध हमें कार्यवाही करनी होगी, यानी कि एक्शन लेना होगा जो भी लिस्टेड गैंग्स हैं। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सहायता से ये काम करना होगा। अगला पॉइंट है कि जो डकैत गिरोह हैं विशेषकर अंतर जिला गिरोह, इनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्यवाही करने की इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। संगठित अपराधियों के अंतर जिला गिरोहों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने की इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे अगर इनके फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, UPSTF का नाम आपने कई सारे TV शोज में भी सुना होगा। ठीक है, तो अगली बार जब सुनिएगा तो इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम बताएंगे। ये जो STF है इसका नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता के लिए एक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जाती है। तो इनकी सहायता के लिए कौन होते हैं, एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। STF का कार्य जो है ये विभिन्न दलों में बटा होता है जिनमें से प्रत्येक दल का नेतृत्व एक अतिरिक्त SP या DSP के द्वारा अर्थात Deputy SP के द्वारा किया जाता है। और STF का क्षेत्राधिकार क्या है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, और इसकी जो टीमें हैं वो संबंधित राज्य पुलिस की सहायता से राज्य के बाहर भी काम कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो UPSTF है ये अपने कार्यों के निष्पादन में मानव बुद्धि अर्थात ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स का भी प्रयोग का ऑब्जेक्टिव रखती है, काफ़ी हद तक इन पर निर्भर भी रहती है। ये जो UPSTF है ये उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पकड़ने और अपराधों को नियंत्रित करने में बहुत सफल साबित हुई है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभिन्न अंग बन गई। राइट, इस तरह से हम इसके बारे में सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें UPSTF के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रकाश डालना है, तो हमें इसके फंक्शंस भी बता दिए, कब स्थापित हुआ, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं, इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सारे पॉइंट्स लिख सकेंगे। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।